सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के थोड़े में बात करने वाले हैं कि गाइस अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो गाइस आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए। गाइस अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवा लेते हैं तो गाइस आपको वहाँ पर क्या लाभ मिलने वाला है। तो फाइनली गाइस आज की इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गाइस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि आयुष्मान कार्ड अगर बनवाना हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, अगर आयुष्मान कार्ड बन जाए तो आपको क्या लाभ मिलेगा। तो फाइनली गाइस आज के वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे बताने वाले हैं, सब कुछ आप डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो गाइस आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए। अगर गाइस आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो गाइस आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो गाइस आप 5 लाख रुपए तक आप मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। अगर गाइस आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो गाइस आपको 5 लाख रुपए तक मुफ्त आपको इलाज मिलेगा, आपको वहाँ पर 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा। अब गाइस हम बात कर लें कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको कौन सा दस्तावेज लगता है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो गाइस सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो गाइस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका वहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। सबसे पहले गाइस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद में गाइस आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड में गाइस आपका नाम होना चाहिए, उसके बाद में गाइस अब आपको यहाँ पर एक और आपको वहाँ पे रहना चाहिए गाइस पहचान पत्र। तो गाइस पहचान पत्र घर का, घर की फैमिली में किसी का भी होगा पहचान पत्र तो चल जाएगा। उसके बाद में गाइस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, घर के किसी का भी पहचान पत्र होना चाहिए। और गाइस आपको जब आप आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तो गाइस आपको वहाँ पे कोई भी फीस नहीं देना पड़ता। अगर गाइस आप अपने गांव में हैं, गाइस आप शहर में हैं, तो गाइस अगर आप CSC पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ पैसे चार्ज करेंगे, लेकिन गाइस वहाँ पे पैसा लगता नहीं है, लेकिन वहाँ पर उनका जो प्रोसेस होता है 10-20 रुपये या 50 रुपये लेंगे तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन गाइस आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो गाइस आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए गाइस सबसे पहले गाइस आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आपके पास राशन कार्ड लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, और आपके घर की किसी भी फैमिली के पास पहचान पत्र होना चाहिए। या गाइस अगर आपके पास है तो भी गाइस आप बनवा सकते हैं। अगर गाइस आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है गाइस, अगर आपको आयुष्मान कार्ड के बारे में कुछ और नॉलेज लेना है तो गाइस आप इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व किया जाएगा। इस नंबर आपके होम स्क्रीन पे शो हो रहा है 14555। तो जैसे आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आयुष्मान कार्ड की जितनी डिटेल्स है आप वहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। तो गाइस मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बार बार यही कमेंट कर रहे थे कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, और आयुष्मान कार्ड अगर हम बनवा लेते हैं तो हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है। तो फाइनली गाइस आज के इस वीडियो में आपको हम बता दें, अगर गाइस आप चाहते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें घर बैठे, तो गाइस आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं कि आप आयुष्मान कार्ड आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कैसे अप्लाई करेंगे। सो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।